दोस्तों, आज लोगों में जितना बॉलीवुड मूवी को लेकर क्रेज देखने को मिलता रहा है, उससे भी कई ज़्यादा लोग साउथ इंडियन मूवी देखना पसंद करते हैं, जिसमें दमदार एक्शन, कॉमेडी और डायलॉग ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी कॉमेडी से बल्कि अपनी विलनगिरी से भी हर किसी को हंसाया है। जी हाँ, हम बात करें साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर जयप्रकाश रेड्डी की, जिन्होंने आज सुबह ही इस दुनिया को 73 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया है। इसके बाद से ही उनके फैंस और इंडस्ट्री में शोक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में आज हम आपको इस अभिनेता के लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने जाने के बाद अपने पीछे अपनी फैमिली के लिए इतनी सारी संपत्ति छोड़ी है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस दमदार अभिनेता के बारे में। 10 अक्टूबर 1946 को जन्म लेने वाले जयप्रकाश रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म ब्रह्मा पुदरू से की थी। इसके बाद इन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के लाइफस्टाइल की, तो आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी कुल 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। इनमें इनकी ज्यादातर इनकम फिल्मों से ही होती थी। ये एक फिल्म के लिए 90 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा ये विज्ञापनों के लिए करीब 50 से 70 लाख तक की फीस लेते थे। वहीं अगर बात करें इनके आलीशान घर की, तो आपको बता दें कि इनका हैदराबाद में 3 करोड़ का आलीशान बंगला है, जिसे इन्होंने अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनवाया है। वहीं इनके पास एक फार्म हाउस भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। वहीं आपको बता दें कि ये अभिनेता लग्जरियस कारों के शौकीन नहीं थे, फिर भी इनके पास BMW जैसी कई कारें थी जिनकी कीमत करोड़ों में है। तो दोस्तों, आपको इस अभिनेता की लाइफस्टाइल के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।